हाय फ्रेंड्स, योर फ्रेंड परम। दोस्तों, यदि आप ये वीडियो को पूरा देखते हो तो आप पाओगे कि वास्तव में आपको इसकी ज़रूरत थी। दोस्तों, लाइफ में सबसे बड़ा डिस्टरबेंस इमोशनल डिस्टरबेंस होता है, और यदि हम इमोशनल डिस्टरबेंस को मैनेज नहीं कर पाते हैं, हम इससे ओवरकम नहीं कर पाते हैं, तो ये हमें लाइफ के हर एरिया में हमें डैमेज करता है। इमोशनल डिस्टरबेंस यदि लंबे समय तक चलता है दोस्तों, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करता है, जिससे हम नई नई बीमारियों को पकड़ते हैं। यदि इमोशनल डिस्टर्बेंस लंबे समय तक चलता है तो इससे हमारा मेंटल लेवल या मेंटल स्टेटस डिस्टर्ब होता है, और लगातार डिस्टर्ब रहने की वजह से हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। यदि मेंटली हम डिप्रेस्ड हैं और फिजिकली फिट नहीं हैं, तो हम कभी भी अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों होता है और इससे हम कैसे उबर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में इसे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है साइंस, लेकिन साइंस ऑफ लाइफ नहीं पढ़ाया जाता। यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है बिजनेस मैनेजमेंट, लेकिन लाइफ मैनेजमेंट या इमोशनल मैनेजमेंट नहीं पढ़ाया जाता। यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है हाउ टू गेट सक्सेस, लेकिन हाउ टू हैंडल फेल्योर नहीं पढ़ाया जाता। पढ़ाया जाता है हाउ टू गेट सेलेक्टेड, लेकिन हाउ टू फेस रिजेक्शन नहीं सिखाया जाता। यदि ये सब सिखाया गया होता तो लोगों की लाइफ में आज नशा उनके जीवन का हिस्सा नहीं होता, आत्महत्याएं नहीं होती, ये सब कुछ नहीं सिखाया जाता। लेकिन समझने की बात है, साइंस ऑफ लाइफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साइंस से, बिजनेस मैनेजमेंट से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इमोशनल मैनेजमेंट या लाइफ मैनेजमेंट। इसे क्यों होता है और इसे हम कैसे मैनेज करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, तब भी लाइफ में जो हम चाहते हैं, जो भी हमारी एक्सपेक्टेशन है, जो भी हमारी इच्छा है, तब वो पूरी नहीं होती, तो हमारे अंदर एक बहुत बड़ा क्यों अपने आप में आता है, ऐसा क्यों। और इस क्यों का जवाब तब हम नहीं मिलता, तो हम लगातार एक इमोशनल डिस्टरबेंस में चलते रहते हैं, जिसकी वजह से हम फिजिकली मेंटली अपनी लाइफ में सफ़र करते हैं। हमें इसे समझना होगा, यदि हम समझेंगे तो डेफिनेटली हम इसे ओवरकम भी कर लेंगे। दोस्तों, हर कुछ चीज़ अपने एक सिस्टम से चलती है, नियम से चलती है। हम सड़क पर चलते हैं तो सड़क पर चलने का नियम है, रूल्स ऑफ द रोड्स हमें फॉलो करने होते हैं। यदि रूल्स ऑफ द रोड्स हम फॉलो नहीं करेंगे, तो हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचेंगे। रूल्स ऑफ द रोड हमें पसंद हैं या नहीं, इस बात से कोई मतलब नहीं है। हमें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है तो हमें फॉलो करने होंगे। हमारी पसंद की वजह से या नापसंद की वजह से रूल्स को चेंज नहीं किया जाएगा। जिस समाज में, सोसाइटी में हम रहते हैं साथियों, वहाँ के भी कुछ नियम हैं। यदि हम उसके नियम को फॉलो नहीं करेंगे, भले ही हमें वो पसंद है या नहीं, तो हमें समाज का रेजिस्टेंस को फेस करना पड़ेगा। जिस कंट्री में भी हम और आप रहते हैं, उसका भी एक अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमें सूट करता है या नहीं, हमें पसंद है या नहीं, इस बात से कोई मतलब नहीं है। लेकिन वहाँ रहने के लिए हमें उसी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा। इसका मतलब रूल्स रोड पर चलने के लिए भी हैं, नियम समाज में रहने के लिए भी हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन देश में रहने के लिए भी है। तो लाइफ का भी अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, लाइफ का भी एक अपना नियम है। यदि हम इसे समझते हैं, फॉलो करते हैं, तो हमारा इमोशनल डिस्टर्बेंस दोस्तों काफ़ी हद तक कम हो सकता है। लाइफ का नियम है, लाइफ ने हमें एन नंबर ऑफ डिसीजंस लेने की चॉइस दी है, चाहे हम जितने डिसीजंस ले सकते हैं, वी आर फ्री टू टेक एनी डिसीजन। कितने भी हम डिसीजन लें, लेकिन हमारा डिसीजन पूरा होगा या नहीं, ये लाइफ का डिसीजन है। डिसीजन लेना और एग्जीक्यूट करना हमारे हाथ में है, ये चॉइस लाइफ ने हमें दी है। हमारा डिसीजन पूरा होगा या नहीं, ये डिसीजन लाइफ का डिसीजन है, ये चॉइस लाइफ ने अपने हाथ में रखी है। रेस्टोरेंट में जाकर के खाना खाना है, ये हमारा डिसीजन है। वहाँ पर टेबल मिलेगा या नहीं, ये लाइफ का डिसीजन है। कल किसी से मीटिंग करनी है, उसका टाइम फिक्स करना हमारा डिसीजन है। मीटिंग टाइम पर होगी या नहीं, ये लाइफ का डिसीजन है। बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना हमारा डिसीजन है। प्रॉफिट हो गया लॉस, ये लाइफ का डिसीजन है। दोस्तों, हम अपने डिसीजंस लेने के लिए फ्री हैं। कोई भी रिलेशनशिप शुरू करना किसी के साथ में हमारा डिसीजन है। रिलेशनशिप पूरी होगी या नहीं, ये लाइफ का डिसीजन है। हमें अपने डिसीजन लेने होते हैं, लाइफ को अपने डिसीजन लेने होते हैं। हम एन नंबर ऑफ डिसीजंस ले सकते हैं, लेकिन डिसीजन पूरा होगा या नहीं, ये लाइफ का अपना डिसीजन है। हमें इस बात को समझना होगा। लाइफ का डिसीजन लाइफ का डिसीजन है, हमारा डिसीजन हमारा डिसीजन है। यहाँ पर अब एक बात थोड़ी गहराई से समझते हैं। जो भी हम डिसीजन लेते हैं दोस्तों, अपने लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग या अपने लेवल ऑफ इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग लेते हैं।
लेकिन लाइफ जो भी डिसीजन लेती है वो सुप्रीम की इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग लेती है, सुप्रीम की इंटेलिजेंस के लेवल के अकॉर्डिंग लेती है, और सुप्रीम की इंटेलिजेंस का लेवल हमेशा हमारी इंटेलिजेंस के लेवल से हायर होता है। और यदि उसकी इंटेलिजेंस का लेवल हायर होता है तो उसका डिसीजन हमेशा हमारे डिसीजन से राइट होता है, भले ही वो हमें सूट करता है या नहीं, भले ही वो हमें पसंद है या नहीं, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, भले ही हम उसे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, ये बात मैटर नहीं करती है। लेकिन लाइफ डिसीजन सुप्रीम की इंटेलिजेंस के लेवल के अकॉर्डिंग लेती है, हम डिसीजन अपने इंटेलिजेंस के लेवल के अकॉर्डिंग लेते हैं। यदि हम सुप्रीम की इंटेलिजेंस के लेवल के अकॉर्डिंग लिए हुए डिसीजन को रिजेक्ट करते हैं, यहीं से हमारा इमोशनल टर्बुलेंस या इमोशनल डिस्टर्बेंस शुरू होता है, जिसकी वजह से हम लाइफ में हर तरह से सफ़र करते हैं। सिर्फ ज़रूरत है समझने की, हमारा डिसीजन हमारी इंटेलिजेंस पर डिपेंड करता है, लाइफ का डिसीजन सुप्रीम की इंटेलिजेंस पर डिपेंड करता है, विच इज़ ऑलवेज हायर देन आर इंटेलिजेंट। जस्ट हमें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, और जैसे ही हम इसे एक्सेप्ट करते हैं हैप्पीली, जैसे ही हम इसे मानते हैं इंशाअल्लाह दाई विल तेरी मर्जी, जैसे ही हम इसे स्वीकार करते हैं, जैसे ही हम इसे एक्सेप्ट करते हैं, वो हमारे साथ खड़ा होता है। और तब वो हमारे साथ होता है तो सफलता हमारी होती है। यदि वो हमारे साथ है दोस्तों, तो फिर डरने की क्या बात है, फिर ज़िंदगी के महाभारत में जीत हमारी होगी, आज नहीं तो कल जीत हमारी होगी, क्योंकि अब वो हमारे साथ है। उसके डिसीजन को एक्सेप्ट करना, उसके डिसीजन को रिस्पेक्ट करना, इसका मतलब उसकी प्रेयर है, सबसे बड़ा उसका सम्मान है कि हम उसके डिसीजन को हैप्पीली एक्सेप्ट करते हैं। तो वो हमारे साथ है, माना कि आज अंधेरी रात है लेकिन दिन भी निकलेगा, ये भी निश्चित बात है। यदि वो हमारे साथ है तो हम जीतेंगे ज़रूर, आज नहीं तो कल हमें सक्सेस मिलेगी। ज़रूरत है सिर्फ हमें उसके डिसीजन को एक्सेप्ट करने की और रिस्पेक्ट करने की। समझने की ज़रूरत है कि उसका डिसीजन हमारे डिसीजन से हायर है, उसके इंटेलिजेंस हमारे इंटेलिजेंस से हायर है। उसके डिसीजन को यदि हम एक्सेप्ट करते हैं तो डेफिनेटली हम अपने इमोशनल डिस्टर्बेंस को कम करते हैं, और यदि हमारा इमोशनल डिस्टर्बेंस कम होगा तो नेक्स्ट टाइम लिया हुआ डिसीजन हमारा पहले डिसीजन से बेहतर होगा, हमारी लाइफ में इमोशनल डिस्टर्बेंस कम होगा। और यदि हमारी लाइफ में इमोशनल डिस्टर्बेंस कम होगा दोस्तों, तो हम फिजिकल लेवल पर फिट रहेंगे, इमोशनली बैलेंस्ड रहेंगे, मेंटली अलर्ट रहेंगे, हम अपनी लाइफ में अपने डिसीजंस को बेहतर तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हम अपने फाइनेंशियली गोल को पूरा करेंगे, सोशली हम अपने आप में एक्नॉलेज्ड फील करेंगे। ज़रूरत है सिर्फ उस हायर इंटेलिजेंस के डिसीजन को रिस्पेक्ट करने की और एक्सेप्ट करने की, फिर वो हमारे साथ है, हम अकेले नहीं हैं। इस बात को आप जितना अपने लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इमोशनल डिस्टर्बेंस कम होगा, ये सच है। आप एक्सेप्ट करें, मैं एक्सेप्ट करूं या ना करें, डिसीजन तो होगा, हमारा डिसीजन हमारा है और उसका डिसीजन उसका है। उसके डिसीजन को रिस्पेक्ट करने का मतलब उसकी सबसे बड़ी प्रेयर है। मैं समझता हूँ उसकी, शायद मैं आपको अपना मैसेज दे पाया, और यदि आपको मेरा मैसेज मिला तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर इसे अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करें, ज़रूर लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस होंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं करिया है तो किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट, थैंक यू।